ਹੁਣੇ ਨਾਦੀ ਆਏਗੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਦੀ ਆ ਨਾਦੀ ਆਏਗੀ ਅੱਛਾ शख्सियत कौन है पहले जरा कुछ झलकियां देख लेते हैं और उसके बाद आपको उनसे मुलाकात करें। जी अपनी शहजादी बेटी को देख रहे हैं जी ये नहीं आज मैं सारिया पढ़ लिखा वो शख्सियत कौन है ये है जी पलवशा कुक्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल केओस चल रहा है महंगाई एक तरफ फसाद एक तरफ तो मेरा अपना जाती तौर पर जो मशगला है और वो सिर्फ मेरा नहीं है बहुत सारे लोगों का है इसलिए मैंने सोचा अवैस की भी हम जरा इनसे खास तौर पर मुलाकात कराएं। आखिर में रात को दिन खत्म करते हुए मैं इनकी जो वीडियोज हैं वो अक्सर लगा लेती हूँ क्योंकि बड़ी थेरेप्यूटिक है और अक्सर ये ज्ञान जो बांट रही होती है वो ज्ञान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है बिल्कुल पलवशा कुक्स अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा। बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इतना फेमस इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने ये स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बस उसके महीने के बाद ही मैं एक्चुअली स्कूल जैसे नर्सरी में काम करती थी छोटे बच्चों के साथ तो यहाँ पे जब कोविड हुआ तो उन्होंने स्कूल नर्सरी सब बंद कर दी तो काम भी सब खत्म हो गया। फिर मैंने कहा कि मैं हमेशा जिंदगी में फारिग नहीं बैठी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि इंसान वो कहते हैं ना पॉजिटिव माइंड ही आगे पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलता है तो हम खाली बैठे रहेंगे तो और बहुत कुछ ऊट पटांग सोचेंगे और इनू फोन कर उनू फोन कर लड़ाइयाँ झगड़े बस इसमें जो है ना फिर दिल लगा रहता है लोगों का। लेकिन तो मेरे बेटे ने कहा मामा आप टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाओ और उस पर लगाओ वीडियोज़ जो हैं वो लोगों को वो स्टाइल इतना पसंद आया क्योंकि कोविड के टाइम पे ही मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई जब मैं अभी फेसबुक पे थी उस पे काम कर रही थी तो अम्मी की जब डेथ हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन ये हुआ फिर मेरी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मुझे लंग्स में ब्लड क्लॉट्स हो गए और ये उसके बाद मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली करना शुरू किया काम को क्योंकि मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती थी मैं मेडिटेशन की वो करती थी चीज़ें कि मुझे कहीं सुकून मिले थोड़ा पढ़ती थी लेकिन चैन ही नहीं आता था तो ये खुद को बिजी अपनी तकलीफ को जी अपनी तकलीफ को मैंने दूर करते करते मुझे पता नहीं चला कि कितने लोगों की जिंदगियों में मैंने आप कहें कि डिप्रेशन दूर हुआ उनका कि मुझे मैसेजेस आते थे जो डिप्रेशन के लोग टैबलेट्स पे थे चीज़ों पे थे उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो हमें फॉरवर्ड की जाती है कि आप ये वीडियो देखें और हाँ बिल्कुल अच्छा अल्लाह ताला आपकी मदर को भी जरिए नेमत करे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है उसको दूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। अच्छा अब आप जिस जबान में गुफ्तगू करती हैं वो ना खालिस उर्दू है ना खालिस पंजाबी है ये कौन सा मिक्स एक्सेंट आपने बनाया हुआ है? ये एक बीच का वो मुतंजन है जो आपको जर्दे का भी टेस्ट देगा और बिरयानी का भी इसमें क्योंकि हमारा जो अपना इलाका है फैसलाबाद से वहाँ का ज़ुबान वहाँ की भी पंजाबी बोली जाती है लेकिन एक्सेंट जो है मुझे लगता है कि हमारा डिफरेंट है क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप सियालकोट से हैं कुछ कहते हैं आप गुजरात से हैं मेरी अम्मी गुजरात से थी मेरे जो दादा थे वो सियालकोट से थे तो ये मिक्सचर है उसका तो इसमें मुझे लगता है कि मैं किसी को भी पंजाबी भी बहुत डिफरेंट तरीके से बोली जाती है कई पंजाबी बड़े सख्त लहजे में बोली जाती है और अगर इसको सही बोलें प्यार से बोलें तो इधर तो मिठी जुबान भी कोई नहीं। वो शख्सियत कौन है? ये है जी पलवशा कुक्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल केओस चल रहा है महंगाई एक तरफ फसाद एक तरफ तो मेरा अपना जाती तौर पर जो मशगला है और वो सिर्फ मेरा नहीं है बहुत सारे लोगों का है इसलिए मैंने सोचा अवैस की भी हम जरा इनसे खास तौर पर मुलाकात कराएं। आखिर में रात को दिन ख़त्म करते हुए मैं इनकी जो वीडियोज़ हैं वो अक्सर लगा लेती हूँ क्योंकि बड़ी थेरेप्यूटिक हैं और अक्सर ये ज्ञान जो बांट रही होती हैं वो ज्ञान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बिल्कुल पलवशा कुक्स अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा। बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इतना फेमस इसकी शुरुआत कैसे हुई? सही है हाँ बिल्कुल अच्छा अल्लाह ताला आपकी मदर को भी जरिए नेमत करे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है उसको दूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। अच्छा अब आप जिस जबान में गुफ्तगू करती हैं वो ना खालिस उर्दू है ना खालिस पंजाबी है ये कौन सा मिक्स एक्सेंट आपने बनाया हुआ है?
बिल्कुल अग्री रहे थे, मिठी जबान कोई नहीं, हमारी पंजाबी भी निकल आती है, मुझे भी पंजाबी बोलने का शौक है, लोग मुझे कहते हैं आप ना बोला करें, लेकिन गल करो पंजाबी, असी बिल्कुल करिएगे पलवशा नाल, असी पंजाबी गल करिएगे, क्या पकाएंगी। वो शख्सियत कौन है? ये है जी पलवशा कुक्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, और जो पाकिस्तान का इस वक्त पोलिटिकल केओस चल रहा है, महंगाई एक तरफ फसाद एक तरफ, तो मेरा अपना जाती तौर पर जो मशगला है, और वो सिर्फ मेरा नहीं है बहुत सारे लोगों का है, इसलिए मैंने सोचा अवैस की भी हम जरा इनसे खास तौर पर मुलाकात कराएं। आखिर में रात को दिन ख़त्म करते हुए मैं इनकी जो वीडियोस हैं वो अक्सर लगा लेती हूँ, क्योंकि बड़ी थेरेप्यूटिक हैं, और अक्सर ये ज्ञान जो बांट रही होती हैं वो ज्ञान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बिल्कुल पलवशा कुक्स अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा। बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इतना फेमस, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सही है, हाँ बिल्कुल, अच्छा अल्लाह ताला आपकी मदर को भी ज़रीक नेमत करे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है उसको दूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। अच्छा अब आप जिस जबान में गुफ्तगू करती हैं वो ना खालिस उर्दू है ना खालिस पंजाबी है, ये कौन सा मिक्स एक्सेंट आपने बनाया हुआ है? बिल्कुल अग्री रहे थे, मिठी जबान कोई नहीं, हमारी पंजाबी भी निकल आती है, मुझे भी पंजाबी बोलने का शौक है, लोग मुझे कहते हैं आप ना बोला करें, लेकिन गल करो पंजाबी, असी बिल्कुल करिएंगे पलवशा नाल, असी पंजाबी गल करिएंगे। अच्छा ये बताएं आज मेन्यू में क्या है, आज क्या पकाएंगी? तो ये आपने जो अभी बात की ना हाउसवाइफ से बेहतर कोई नहीं होता, तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपकी कंपाइलेशन सी देख रहे थे, उसमें आपका वो गाना टाइप कुछ आप गा रही थी, तुम्हें दुल्हन बनाए तुमसे रोटियां पकवाए, ये कॉन्टेंट आप कैसे सोचती हैं? वो देखी वीडियो भाई इंस्टाग्राम पर, मैं कहती हूँ दूल्हे कोई रोमांटिक हुए हुए हैं ये गाना सुना सुना के, हैं वो क्या बीवियों के नखरे, और मैं ये सोचती हूँ कि हाँ यार नखरा बाद चो ही इंजी चुकिया जाना कि नहीं, ये पहले तो बड़े नखरे उठाते हैं, बाद में जैसे ही अम्मा सामने आएंगी वो गाना ऐसे बदलेगा कि तमन्ना है तुमसे हांडियां पकवाएं, तमन्ना है तुमसे रोटियां पकवाएं, ऐसे बातें बदल जाती हैं। तो मुझे ये गाना देख के ना मेरे से हजम हुई नहीं इतनी मोहब्बत, मैं आपको सच बताऊं लोगों से नहीं हुई होगी, और कई लोगों को आपका ये गाना भी सुन के बड़ा मजा आया होगा, मैंने भी जब सुना था मैंने कहा भाई ये तो पलवशा ने कमाल ही कर दिया आज। अच्छा ये बताइए जब इस किस्म की बातें आप वीडियो पे बना रही होती हैं कर रही होती हैं, तो आपके घर वाले तो सुन सुन के लोट पोट हो जाते होंगे हंस हंस के? मियां बीवी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें मैं कहती हूँ ये वो PhD है ना जो इंसान कभी पूरी कर नहीं सकता, इसको इसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए एक दूसरे के लिए, तो बस कुछ ऐसा ही चक्कर है। वो लड्डू है जेड़ा खांदा है पछतांदा है, जेड़ा नहीं भी खांदा वो भी पछतांदा है। नहीं नहीं कई बारी लड्डू कई बारी लड्डू मैं ये समझती हूँ कि आपके घर का किसी भी घर का सुकून उस घर की औरत होती है, उस घर की औरत जो है वो पिलर होती है, उस घर का बेस होती है, उस घर से बाहर जाने वाला हस्बैंड जो है वो इस सुकून से बाहर जाता है कि मेरे घर में सब कुछ भाई ठीक मैनेज हो रहा है, एक औरत एक घर की पूरी इज्जत आबरू संभाल के बैठी होती है, और हस्बैंड के वापस आने पे घर का माहौल अच्छा, आपने अच्छा खाना पकाया हो, आप खुद वेल ड्रेस्ड हो, ये मैं बहुत बार कहती हूँ लड़कियों को जिनकी स्पेशली न्यू शादी हो रही है कि अपने आप को खर्च मत करें, इन्वेस्ट करें अपनी सेल्फ में। हमें ये नहीं होता कि बच्चे पैदा हो गए शादियाँ हो गई हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपने एक इंसान के साथ ग्रो करना होता है, अपने हस्बैंड के साथ ग्रो करना होता है, अपने बच्चों के साथ ग्रो करना होता है, तो आप में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आपके लाइफ पार्टनर को आपके बच्चों को ये ना लगे कि भाई ये हमें समझ नहीं रहे या हमें इनकी समझ नहीं आ रही। अब कई लड़कियां ये भी कहती हैं भाई वो हमें नहीं समझते, वो हमें समझें, तो इस चक्कर में ना वो समझेंगे ना आप समझेंगे, कोई एक ही दूसरे को समझ ले तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है। बात की बिल्कुल, आपने कोई एक ही कोशिश करने, बिल्कुल। अच्छा आपका मैंने सुना कि बरतानिया में आपने जिंदगी बड़ी मुश्किल में गुजारी, कई नौकरियां की, बड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे बताएं कि जब आप वहां गई थी पाकिस्तान से रुखसत होकर दुल्हन बनकर, तो किस चीज पर आपकी खुशियां थी, किस चीज पर उदासी थी? इंग्लैंड जब मैं आई तो यहाँ आकर जो मैंने सुना हुआ था ना कि बहुत ये है वो है, बहुत हाइप क्रिएट हमारे लोग कर देते हैं, मुझे लगा कि ठीक है ये मुझे लगा कि हाँ ठीक जगह, वैसे भी मैं इस तरह की इंसान हूँ, शायद मेरे उत्ते ना चीज़ां बहुत हावी हुंदियां नहीं, मेरे हस्बैंड भी मुझे अक्सर कहा करते थे गाड़ी नहीं लेनी कुछ लेना ना कि तुम्हें खुशी नहीं हुई, मैंने कहा बस मैं इतना ही खुश होती हूँ कि चीज़ों को मैं सर पे सवार नहीं करती, तो यहाँ
मैं आई, मेरे मामू यहाँ पे थे, पुप्पो भी यहाँ पे हैं, और मामू के घर आई, मेरे इन लॉज भी वहाँ पे आए हुए थे, फिर वहाँ पे मैं रात रही, फिर अगले दिन मैं, मेरे जो हस्बैंड यहाँ पे उनका घर था, मेरे सास ससुर भी सब आए हुए थे, वो मैनचेस्टर में होते हैं लेकिन मेरे अपने हस्बैंड यहाँ रेडिंग में थे, यहाँ पे इनका अपना घर था, तो मैं सीधा इधर जो अपना घर था वहीं पे आई, और दो कमरों का घर था, टू बेडरूम का छोटा सा घर, पाकिस्तान तो उसी बहुत बड़े बड़े घर जो मैं आई, और मैं बड़ा घर इसलिए कहती हूँ कि खुला वेड़ा आसमान नज़र आता था, बाहर से गली की आवाज़ें आती थी, रौनकों वाला घर था, घर भरा पूरा, उस घर में हमेशा से रौनक रही। मेरी पुप्पो थी, उनकी बेटियाँ भी वहीं से पढ़ के और बहुत काबिल फाजिल बन के निकली, फिर हम बेटियाँ वहाँ पे, उनकी शादियाँ वहाँ पे हुई, तो यहाँ आकर मुझे घर बहुत ही छोटा लगा, फिर मैं करूँ बाहर वेखना तो मैंने बंदा कोई ना नज़र आए करे, अपने लोगों की आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस गई, अपने लोगों को देखने के लिए तरस गई, कोई मुझे दूर से अपना नज़र आ जाता था तो मैं शायद पीछे ही चलना शुरू कर देती थी कि मैं देखूँ ये कौन है। फिर उस टाइम पे यहाँ पर क्या कहते हैं कि 3 मिनट की कॉल हुआ करती थी पाकिस्तान की, अम्मी का फ़ोन 3 मिनट की कॉल में ख़त्म हो जाता था, जिसमें ना तो वो अपने दिल की बात कह सकती थी, ना मैं ही अपने दिल की बात उनको बता सकती थी, तो जड़े किस्से ने वो मुख्तसर रह गए खत्तों तक, खत मेरी अम्मी का आना तो खत दे अंदर दी राइटिंग तो लैके वो चार चफेरे लिखे आता सी, कोई खत की ऐसी कोई सफ़ेद जगह नहीं होती थी जो जिसमें उन्होंने नहीं लिखा होता था, उन्होंने सारा मुझे बताया होता था, मेरे बाद वो क्या महसूस करती हैं, मेरे बहन भाई कितने उदास होते हैं, तो ये सारी जो फीलिंग है, ये चीज़ें हैं, ये बहुत, और मुझे जिस दिन मेरी माँ का ख़त आ जाया करता था मेरा वो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता था, जिस दिन मेरी बात हो जाती थी उसके बाद मुझे लगता था हाँ आज मैं अपने घर का काम बहुत अच्छे से, दिल में एक सुकून सा हो जाया करता था, बाहर जाना कोई चीज़ देखनी अच्छी, दिल में अपने बहन भाइयों का ख्याल आ जाना, कोई अच्छी चीज़ देखनी अपनी माँ के लिए सोच लेना, कोई अच्छा अपने बाप के शौक की कोई चीज़ देखनी तो हाँ मैं अबू वास्ते ले लूँगा, लेकिन जब नई नई शादी हुई होती है ना तो हम लोग कह नहीं सकते कि ये मैंने चीज़ लेनी, और कई दफ़ा दिल में रह जाता था कि हाय मैंने ये चीज़ लेनी थी और मैंने नहीं ली, ये नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया या उन्होंने कहा कि नहीं लेनी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे ना जॉब करनी चाहिए, एक तो आदत होती है ना बीवियों की फरमाइशें करने की, ये लो वो लो ये करना है, मैंने कभी ये नहीं किया था, तो मैंने जॉब स्टार्ट की, मेरे बच्चे जो हैं जो फुल टाइम स्कूल चले गए 5 साल के बाद, पाकिस्तान में 4 साल बाद गई थी शादी के, और मुझे लगता है उन 4 सालों में मैंने अपने घर की बेस्ट बेस्ट जो ज़िंदगी थी ना वो मिस की माँ बाप के घर की, क्योंकि जब हम लोग इंग्लैंड आ जाते हैं ना हम सालों सालों के बाद जाते हैं, जब हम शुरू शुरू में आते हैं ना तो वही टाइम होता है जल्दी जल्दी वापस जाने का, वही टाइम होता है अपने माँ बाप के घर की खुशियाँ देखने का, अब मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उस घर च तो कोई रहा ही नहीं, घर हमारा बिल्कुल खाली, बस मेरे अब्बू अकेले वहाँ रह गए, और जब एक अकेला बंदा रह जाता है ना वो ऐसे हो जाता है कि बाकी तो सारी सवारियाँ टुर गई, मैं स्टेशन पे कल्ला बैठा, मेरी बारी की दुआनी है, जिंदगी कुछ इस तरह की हो जाती है। सारी जो दास्तान है ये बहुत सारी खवातीन ने वहाँ जाकर महसूस की, बिल्कुल खवातीन ने महसूस की, और लोग समझते हैं यहाँ से जाकर कि वहाँ जिंदगी बड़ी आसान होगी, लेकिन वहाँ पर जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सारा कुछ आप पे पड़ जाता है, अकेले आपने संभालना है पूरा घर, अपनी जिंदगी और पीछे वालों को भी बाज़ोकात, तो वहाँ पे भी कोई लड्डू टमाटर जो है वो आराम से नहीं प्लेट में रख के मिलते, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे परवशा, आपने वक्त निकाला, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और उतना ही मज़ा आया जितना मैं आपकी व्लॉग सुन के मज़े करती हूँ रात को, तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह फलता फूलता रखे।